नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विधि जुस्सल अकेडमी में। और एक इनिशिएटिव के तहत, एक मिशन मोड में हम लोग फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर जुडिशियल सर्विसेज, एंड दीज वीडियोज़ कैन बी यूज फॉर ऑल। जुडिशियल का मतलब है फिर आप किसी भी कॉम्पिटिशन में इन वीडियोज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब इनके बारे में समझ लीजिए, बहुत शॉर्ट में, बहुत तेज आपको बताऊंगा कि हम लोग आपको फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज। और ये इस तरीके से नहीं होगा कि कुछ कुछ डाल दिया। वी जो हमारा कोर्स, जिस कोर्स की वैल्यू हमने विधि में 1 लाख रुपए फी चार्ज की है, वो पूरा एंटायर कोर्स आपको फ्री में मिलने वाला है। सीक्वेंसिंग मिलेगा विद ऑल नोट्स मिलेगा, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जितनी डिटेल्स में आपको पढ़ना चाहिए जुडिशरी के लिए, वो उसी लेवल की कोचिंग आपको मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं सीपीसी क्लासेस। तो काइंडली सारे वीडियोस को देखिए, डिटेल में देखिए, एंड तक देखिए। ये आपका भविष्य बदलने वाले वीडियोस हैं, इनकी वैल्यू इतनी है, इनको अंडरमाइन मत कीजिएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि वीडियोस को हमने यूं ही डाल दिया, बस एडवर्टाइजमेंट के लिए डाल दिया। हमारी सदिच्छा यही है कि अब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो जो पैसे की वजह से, किसी भी वजह से, जिसको कोई कोचिंग नहीं कर पा रहा है। तो एंटायर सिलेबस, जुडिशरी सिलेबस विद ऑल डिटेल्स, विद ऑल अपडेटेड नोट्स, यू विल गेट एट दिस प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। आपको करना क्या है, सीक्वेंस में सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। आपको प्लेलिस्ट, आप लोग थोड़ा देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, कहीं पर सीपीसी, कहीं पर मतलब ऑल सब्जेक्ट्स आपको उस तरीके से मिल जाएंगे आपको। अब इसमें क्या होगा, इस वाले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दी सीपीसी। और इस लेक्चर में आपको मिलेगी इंट्रोडक्टरी क्लास। इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, और इंट्रोडक्टरी क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड तक देखिएगा, ये बहुत जरूरी है। और इसके नोट्स लीजिएगा, आप यूं ही नहीं देखें, फिल्म की तरह मत देखिएगा इन वीडियोज को। आप इन वीडियोज को प्रॉपर पॉज कर करके, वीडियो को रोक रोक करके, नोट्स लिख लिख करके आप करेंगे, एज ए कोचिंग कीजिए इसको आप। और फिर आप देखना, आप कमेंट में भी लिखेंगे, हमें इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू हाउ शुड वी यूज वीडियो लेक्चर्स, हाउ शुड वी यूज वीडियो लेक्चर्स, हमें इन वीडियो लेक्चर्स का कैसे यूज करना चाहिए, सो दैट यू कैन टेक मैक्सिमम आउट ऑफ दिस वीडियोज, इन वीडियोस का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हो करेंगे। तो आपके पास, यू शुड इंश्योर कि आपके पास एक पेन हो, हाइलाइटर हो, बेयर एक्ट हो, कोचिंग नोट्स हो, ये सब आपके पास होना चाहिए, सो दैट कि आपको वो क्लास की फील आए। ये ऐसा ना हो कि आप कोई एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ये क्लास है, तो क्लास की फील में ही आपको बैठना चाहिए प्रॉपर तरीके से विद ऑल दीज थिंग्स। और उसमें भी आपको कोशिश ये करनी है कि वीडियोज को ऐसे नहीं कि बैठ के देख रहे हैं आप, बस ऐसे नहीं देखना है। यू शुड बी वेरी इंटरेक्टिव इन दैट केस। तो डोंट वॉच द वीडियोज एज द रनिंग फिल्म, कोई स्टोरी सुन रहे हैं, ऐसे नहीं। आपको इसको क्लास की तरह से सीरियस लेना चाहिए। तो क्या प्रोसेस फॉलो करना है, आप वीडियो को स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट वीडियो, एंड नाउ पॉज इट आफ्टर 1 or 2 मिनट्स। 1 या 2 मिनट रन करके इसको आप पॉज कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जो कुछ उस 1-2 मिनट के वीडियो में समझाया गया है आपको, उस वीडियो में आप उसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करिए, समझे, नोट डाउन व्हाट एवर इज टॉट, एंड देन अगेन स्टार्ट, फिर दोबारा स्टार्ट कीजिए। तो पहले आपने वीडियो को रन किया, फिर आपने उसको पॉज किया, जो बातें उसमें समझाई गई उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको हाईलाइट कर लिया, लिख लिया, नोट डाउन कर लिया प्रॉपर तरीके से, अगेन इसको फिर स्टार्ट कीजिए, फिर अगेन पॉज, नोट डाउन। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, रन पॉज नोट डाउन रन, इस तरीके से आप अपने वीडियोस को आगे बढ़ाएंगे। तो इससे होगा क्या कि आप बहुत अच्छे तरीके से उन वीडियोस में जो समझाया गया उसको करते हुए चलेंगे, कोई पॉइंट आपका स्किप नहीं होगा। जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स आधे घंटे के लेक्चर आधे घंटे में खत्म किया देख करके, हम समझ गए, नहीं समझोगे, नहीं आएगा, जज नहीं बन पाओगे उस तरीके से। तो सीरियसली लीजिए, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए आप, ठीक, उस प्रोसेस को रिपीट करेंगे आप, स्टार्ट, पॉज, नोट डाउन एंड फिर स्टार्ट। एंड इसमें ऐसे अगर आप करेंगे तो आप देखना कि आप सीरियसली अगर कर रहे हैं उसको, तो 30 मिनट्स का जो वीडियो है दैट विल टेक टाइम अबाउट 90 मिनट्स, 3 टाइम्स टाइम लग जाएगा। आपने रन किया, समझा, नोट डाउन किया, फिर इसको किया, तो इट टेक्स टाइम।
तो ये आप देखिए कि आप कितने मिनट में उस वीडियोस को ख़त्म कर रहे हैं। कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, तुरंत 1 मिनट पीछे रिवाइंड कर लीजिए, फिर उसको देख लीजिए। तो ये मत भूलिएगा, आई बिलीव कि आपको इसका बेनिफिट होगा। और यही प्रोसेस, ऐसा नहीं किसी खास सब्जेक्ट का है, ये जनरलाइज है। जब भी आप वीडियोस देखेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का देखेंगे, इस तरीके से ही आप देखेंगे। जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन होता है कि हमें रिवाइज कैसे करना चाहिए, और क्योंकि मैं बार बार समझाता हूँ आप लोगों को रिवीजन कैसे करना चाहिए, तो आई थॉट इट बेटर कि मैं आपको इसमें एक छोटा सा वीडियो बना के दूँ, और इसको आप मेरा गुरु मंत्र मान लीजिए अगर आपको जज बनना है। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं और हम लोग इन ट्रिक्स को फॉलो कर लेंगे अगर आप, तो आप यकीन मानिए बहुत जल्दी जज बन जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है हाउ टू रिवाइज, रिवाइज हम कैसे करें। तो मेरा आपको ये कहना ये है कि एक तो जब आप ऑफलाइन क्लास में कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं, या वीडियो लेक्चर में आपने कोई टॉपिक कवर करा है, ऑनलाइन टॉपिक कवर करा है, तो अगले क्लास से पहले, अगले टॉपिक से पहले आपको प्रीवियस टॉपिक को याद कर लेना चाहिए, रिवीजन की प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। तो अब इसमें क्या है कि जो खास बात क्या कि जनरली देखते हैं कि आप टाइम फिक्स कर लेते हैं रिवीजन का, कि मुझे मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में, नाइट टाइम में, आप अपनी कन्वीनियंस से टाइम फिक्स करते हैं, और वही टाइम आप सोते रह जाएंगे, वही टाइम पार्टी हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, कुछ भी, आप रिवीजन पर फोकस नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि मेरा कहना ये है कि आपको रिवीजन की हैबिट होनी चाहिए, डेवलप हैबिट ऑफ रिवीजन। आपको रिवीजन की हैबिट जिस दिन बन जाएगी, आप समझिए आपका 95% जो है जज बनने की मेहनत है वो उसमें कवर हो गई वो। तो मेरी पहली आपको ये सलाह है, एडवाइस है कि डोंट वेट फॉर एनी फिक्स टाइम। वहाँ भी करो, अगर फिक्स टाइम फॉलो कर पा रहे वो भी करो, लेकिन आप इसको हैबिट डेवलप कीजिए। जैसे कि स्मोकर्स होते हैं, उनका क्या है कि पढ़ते पढ़ते अरे यार एक एक सुट्टा मारा जाए, तो एक सिगरेट पीने में बहुत टाइम नहीं लगाएंगे वो, 1-2 मिनट, 5 मिनट, लेकिन वो अपने उसको रिलैक्स कर लेंगे अपने। उनका जो, मैं ये नहीं कह रहा रिलैक्स होता होगा ऐसे, बट दे डू लाइक दैट। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि 2-5 मिनट के लिए भी रिलैक्सिंग टेक्निक्स होती हैं लोगों की, तो उसी तरीके से हमारी 2-3 मिनट की रिविजन टेक्निक्स क्यों नहीं हो सकती हैं, वी कैन डू दैट ऑल्सो। तो जरूरी नहीं आधा घंटा ही बैठो, 1 घंटा ही बैठो, अगर आपके पास टाइम है तो वो भी करो, लेकिन जो छोटे छोटे गैप्स हैं उनमें, जो शॉर्ट इंटरवल्स हैं उनमें आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू स्लीप, लेकिन नींद नहीं आ रही है, पढ़ने का मन भी नहीं है, थक चुके हैं, रिविजन कर सकते हैं आप। जो भी टॉपिक आपने अच्छी तरीके से याद कर लिया उसको और बस रिवाइज करते रहिए, यू कीप ऑन रिवाइजिंग दैट। तो उससे क्या होगा, एक तो नींद बहुत जल्दी आ जाएगी और रिविजन भी हो जाएगा आपका। जब ट्रैवल करते हैं, कई बार आप क्लास में आने जाने के लिए मेट्रो से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं, किसी तरीके से भी आ रहे हैं, सिर्फ ड्राइविंग ना कर रहे हो तब की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो जो टाइम है आपका घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, वो वेस्ट होता है अगर वो टाइम हम लोग रिविजन में निकाल दें। अगर हम उस टाइम में रिविजन कर लें तो देखो आपका रिविजन भी हो गया और टाइम भी बच गया। रिविजन में हमें बहुत कुछ बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो ये बहुत सारे टाइम हो सकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहे हैं, लंच का वेट कर रहे हैं, डिनर का वेट कर रहे हैं, वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, ये सारे वो टाइम है। ब्रश करने में 10 मिनट्स लगते हैं, छोटे से ट्रिक है, ब्रश करने में 10 मिनट्स लगेंगे, जहाँ पर आप ब्रश करते हैं वहाँ पर जाकर चिपका दीजिए कुछ केस लॉस की लिस्ट, जो भी आपको याद करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो आप ब्रश कर रहे हैं, आपका ध्यान वहाँ जा रहा है, हो गया रिविजन। तो कुछ टाइम के बाद कुछ ये सारे लॉ के प्रोविजंस ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फीड हो जाएंगे, आपको बहुत एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। हमारे दिमाग में कोई ना कोई थॉट होती है, आप कुछ भी कर रहे हो कोई ना कोई विचार आपके माइंड में चलता रहेगा, आपको केवल उन विचारों को रिप्लेस करना है कि मुझे कुछ अन्य और बातें नहीं सोचनी, केवल लॉ के प्रोविजंस के बारे में सोचना है। किसी केस के फैक्ट्स को रिवाइज कर लीजिए, अच्छा वो ये अच्छा ये मोहरी बीवी केस हो गया, ऐसे मोहर बीवी केस में ये फैक्ट्स हैं, इस तरीके से याद कर लीजिए, है ना। बहुत सारे केस लॉज हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं, सेक्शंस की हेडिंग को रिवाइज कर सकते हैं, कोई सा भी टॉपिक उठा लिया रिवाइज कर सकते हैं। तो मेक इट ए हैबिट, आपको बिना रिविजन के नींद नहीं आनी चाहिए, आपको लगना चाहिए यू आर सम अनकम्फर्टेबल। जैसे एक्सरसाइज करते हैं लोग, उनको बड़ा, अगर जिम नहीं जाएंगे तो बड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस करेंगे, किसी दोस्त से नहीं मिलेंगे तो उनको मज़ा नहीं आएगा। उसी तरीके से आपको रिवीजन के बिना ऐसा लगना चाहिए कि आज कुछ रह गया, छूट गया आज। तो उस तरीके से रिवीजन के हैबिट बनाइए, और शॉर्ट इंटरवल्स को रिवीजन के लिए यूज़ करना शुरू कीजिए। तो इस तरह देखेंगे आप स्मार्टली आपने काफ़ी कुछ काम कवर कर लिया अपना। और एक एंड कब आएगा इसका, आपका एक क्वेश्चन होता है कई बार कि हम इसको कब माने,
कि हम हाँ हमें टॉपिक आ गया, तो एक ही मंत्र है उसका, कीप रिवाइजिंग टिल यू आर एज कंफर्टेबल एज इन गायत्री मंत्र। अगर आप गायत्री मंत्र बोल सकते हैं तो गायत्री मंत्र कितने कंफर्ट से बोल लेते हैं आप, उतनी कंफर्ट हो। अगर वो भी नहीं आता है तो दो का पहाड़ा, टेबल ऑफ टू। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप टेबल ऑफ टू सुनाइए मुझे, तो यू विल टेक 10 सेकेंड्स। दूसरी बात, उसमें स्पीड होगी, उसमें आप गैप नहीं करेंगे, आप उसमें रिवीजन के लिए टाइम नहीं मांगेंगे मुझसे। तो आई वॉन्ट कि जैसे यू आर कंफर्टेबल इन टेबल ऑफ टू, यू आर कंफर्टेबल टेबल 10, है ना, उसमें आपको रिवीजन भी नहीं चाहिए, जबकि कई साल पहले आपने याद किया था। उसी तरीके से आपके लॉ के प्रोविजंस होने चाहिए याद आपको, कि आपको कोई पूछे सुनाइए 299 कल पे लोहमन सर की डेफिनेशन, तो तुरंत आपने सुनानी है, बस वो कहेगा यस यस सर, ये होना चाहिए, स्पॉन्टेनियसली आपको सुनाना है। जब तक वैसी स्थिति नहीं आ जाए आपकी, तब तक आप रिवीजन करते रहिए बस, ये ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि रिवीजन को नहीं छोड़ना है, और यही एक ऐसा मंत्र है, गुरु मंत्र है, जो आपको बहुत जल्दी जज बनाएगा। तो ये थी आपको हाउ टू रिवाइज, ये रिवीजन की ट्रिक्स थी, आपको टिप्स थी कुछ, इनको फॉलो कीजिए। वॉट टू डू नेक्स्ट आफ्टर द क्लास, एक क्लास आपने कर ली, अब क्या करना है भाई, उस टॉपिक को याद करो और रिवीजन के लिए स्टार्ट उसको यूज करना शुरू करो उसको, आप ये उसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट दो, आप रिवीजन शुरू कर दीजिए उस मैच में। तो मेरी सलाह आपको यह है कि डोंट जंप टू द नेक्स्ट लेक्चर अनलेस यू लर्न द प्रीवियस वन। अगर पहले लेक्चर को लर्न नहीं किया है तो नेक्स्ट लेक्चर पे आप नहीं जाएं, ये मेरी सलाह है आपको, और आप मानेंगे तो आपका बहुत बेनिफिट होगा, और बहुत जल्दी जज बनने के लिए वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। क्योंकि जब एक लेक्चर को हम याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से, और फिर नेक्स्ट लेक्चर अगर आप सुनेंगे तो आपको आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने कुछ बेसिक चीज़ें याद कर रखी हैं पीछे वाली। तो नेक्स्ट लेक्चर की जो कैपेसिटी है आपकी, अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, वो अच्छा होगा, क्विक होगा। तो इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, अदरवाइज क्या होगा, आपको केवल कि फील आएगी, ऐसा ऐसे फील आएगी कि हाँ आपने एक बुक कवर कर ली, लेकिन एक्चुअल में जिसे हम कह सकते हैं कि क्या आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होगी, क्या आप इसको एग्जाम में यूज कर पाएंगे इस नॉलेज को, आंसर इज नो। तो फिर क्यों टाइम वेस्ट किया, जब हम एग्जाम में फेल होकर के वापस आना है तो फिर हमने क्यों की इतनी मेहनत। अगर हमें जज बनना है तो एक तरीका होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे होना चाहिए। सिस्टमेटिक वे मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, याद कीजिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर पर जाइए। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक आपके पास एक नया टॉपिक होगा, 2 दिन बाद आपके पास ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि आपको एक नया टॉपिक कवर करना है, एक एक टॉपिक को आपको याद करना है जिसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और एक वो टॉपिक होगा जिसको आप ऑलरेडी याद भी कर चुके हैं उसको रिवाइज करना है। तो सिमिल्टेन और एक टॉपिक आपका ऐसा हो जाएगा जिसकी आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये चार जो वे ऑफ लर्निंग है, 4 वेज ऑफ लर्निंग है, ये 4 एक्टिविटीज हैं, वो लगभग एक साथ चल रही होंगी आपके साथ में। एक टॉपिक आप नया कवर कर रहे होंगे, न्यू न्यू सिलेबस कवरिंग, लर्निंग ऑफ द प्रीवियस वन, रिविजन ऑफ द ओल्डर वन, एंड द प्रैक्टिस ऑफ MCQs ऑफ द ओल्डर वन। तो देखा इससे क्या होगा कि आप 2-3 दिन के बाद आपकी पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्टिंग मोड आ जाएगा, बोर नहीं होंगे आप, कभी MCQ कर रहे हैं, किसी को रिवाइज कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, किसी को नया टॉपिक याद कवर कर रहे हैं, तो मिक्सअप करके करेंगे आप, तो बोर नहीं होंगे इस तरीके से आप, ये इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो यही मेरी सलाह है आप लोगों को इस टॉपिक पर, कि भी हमें यूज़ वीडियो लेक्चर को कैसे यूज़ करना चाहिए था। आई बिलीव कि आपको इसका बेनिफिट होगा, और यही प्रोसेस, ऐसा नहीं किसी खास सब्जेक्ट का है, ये जनरलाइज्ड है। जब भी आप वीडियोस देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट का देखेंगे, इस तरीके से ही आप देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।